बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मौसमी का जूस बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह हम जूस इसका बना सकते हैं। मौसमी का जूस जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले उसे मौसमी का जूस पीने को कहते हैं। इससे मेदे में जो गर्मी होती है वो दूर हो जाती है और मैदे में विटामिन सी और कैल्शियम की बड़ी बहुत ज़्यादा मकदार डाली जाती है। विटामिन ये मौसमी का जूस पीने से चेहरे पे जो दाने निकलते हैं उसमें भी बहुत कमी आती है। मौसमी का जूस बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, नज़र पे भी ठीक हो जाती है और बालों को भी असर पड़ता है। कमज़ोर हजरात अगर रोज़ाना ही मौसमी का जूस पिए तो वो उसकी वो सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो इसलिए मौसमी का जूस जो है वो रोज़ाना ही पीना चाहिए बीमार हजरात को, कमज़ोर हजरात को। अगर किसी के पेट में कब्ज़ है तो उसको भी मौसमी का जूस अगर रोज़ाना दे तो वो उसकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम मौसमी का जूस को किस तरह निकाल सकते हैं। अगर तो आपके पास जूसर है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्राइंडर में भी जूस बना सकते हैं। ग्राइंडर में बना के तो उसे आप पीस लें। सर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप ग्राइंडर में भी बनाएं। ये देखिए हम इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डालेंगे और फिर हम ग्राइंडर को चला के तो इस तरह हम नीचे कर देंगे। फिर दोबारा हम इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पीस डालेंगे। अगर आपके पास ये देखिए मौसमी का जूस हमारा तैयार है और इसके अंदर ये देखिए जो मौसमी का जूस हमारा बिल्कुल तैयार है, कितना मज़ेदार है। अगर आप इसके अंदर एक थोड़ा सा आप नमक डालेंगे और नींबू का एक डाल देंगे पीस तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे कमज़ोरी दूर हो जाएगी और हमारे मैदे में जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप जब तक ये मौसमी हैं आप अपने इस्तेमाल में रखें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए डे ड्रीम ब्लॉग्स।